गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकाश चौहान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी साइंस बुक में एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो आपकी बुक में पेज नंबर 63 पर है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हिंदी में से बोलते हैं वनस्पति प्रचार। देर आर मैनी प्लांट्स विच नाइदर बियर फ्लावर नॉर फ्रूट। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे, जिनके ऊपर ना तो फूल आता है ना ही कोई फल। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अदर पार्ट्स से। दस न्यू प्लांट्स कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स और स्पोर्स बट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स सच एज स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं न्यू, वे ना सिर्फ बीज जो सीड्स से ग्रो होते हैं बल्कि कुछ अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके अदर पार्ट्स उनसे भी ग्रो होते हैं, जैसे कि उनके पार्ट्स हो गए, जैसे स्टेम्स हो गई, टहनियाँ, लीव्स, पत्तियाँ और रूट्स यानी कि जड़ें, इनसे वो न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं। और ये कब होते हैं? बिना सीड्स के। दिस फिनोमिना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इस फिनोमिना को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं किसके थ्रू? बिना सीड्स के, स्टेम्स हो गए, लीव्स और रूट्स, इनके थ्रू जब ग्रो करते हैं तो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें बिना सीड्स के प्लांट ग्रो करते हैं न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम लीव्स एंड रूट्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। देखिए, यहाँ पे भी यही आगे जो मैंने भी आपको बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यह प्रोसेस है जिसमें नए प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। कहाँ से? स्टेम्स से, लीव्स से, रूट्स से। किन की जगह? सीड्स की जगह। स्टेम, टू कॉमन अंडरग्राउंड स्टेम्स पोटैटो एंड अनियन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। और देखिए, स्टेम से क्या ग्रो होता है आपने देखा होगा, पोटैटो और ऑनियन, ये आपने देखे होंगे, जब इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है तो इसमें से आपने देखा होगा न्यू प्लांट ग्रो करता है। पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैज़ बड्स कॉल्ड आइज विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। और जो पोटैटो होता है, जो अंडरग्राउंड यानी कि जो अंदर ग्राउंड के अंदर से आपने देखा होगा ग्रो करके आता है, उसमें आपने देखी होंगी बड्स होती हैं जिन्हें आइज भी कहा जाता है, और इससे ही, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इससे ही न्यू प्लांट क्या होता है? ग्रो होता है। इसी तरह से ओनियन, एन अंडरग्राउंड स्टेम हैज़ लीव्स विच इफ प्लांटेड। देखिए, जो ओनियन होती है उसके ऊपर जो लीव्स हैं आप फिगर में देख रहे हैं, ये इस तरह की लीव्स होती हैं। अगर आप इन लीव्स को ओनियन पे से हटा के कहीं और ग्रो कर दें तो वहाँ पे क्या होगा? न्यू प्लांट ग्रो करेगा। द स्टेम ऑफ सुगर केन हैज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो स्टेम होती है सुगर केन की, उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? रूट लाइक, ठीक है। आपने देखे होंगे उसमें, गांव में आपने देखे होंगे सुगर कैन होते हैं तो उन्हें पोरवे बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसका इस तरह से बना होता है, तो उसमें छोटी छोटी आपने देखी होंगी रूट्स होती हैं, जड़ें बहुत छोटी छोटी, विच कैन ऑल्सो ग्रो इन टू न्यू प्लांट, जो जिससे आप क्या कर सकते हो? एक न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकते हो अगर आप उनकी कटिंग कर दो तो। एक्टिविटी, टू ग्रो ए रोज़ प्लांट बाई स्टेम कटिंग। देखिए, यहाँ जाने के हम कैसे आप रोज़ प्लांट यानी कि गुलाब का जो पौधा है वो ग्रो कर सकते हैं, किससे? स्टेम कटिंग, उसकी स्टेम काट कर। कट ए स्टेम ऑफ रोज़ प्लांट ओब्लिकली, आपको क्या करनी है? ओब्लिकली फॉर्म में कट करनी है रोज़ प्लांट की स्टेम। नाउ प्लेस द स्टेम पीस इन सॉइल एंड वाटर इट। अब आपको क्या करना है? सॉइल में लगानी है क्या? स्टेम जो आपने कट की है, और उसे वाटर देना है, ठीक है, रेगुलरली। यू विल सी डैट द स्टेम ग्रोज इन टू ए न्यू प्लांट। अब आप देखोगे जो स्टेम है किसकी? रोज़ की, वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो रही है। और मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों ने करके भी देखा होगा, अपने घर पर आपने देखा होगा किस तरह से स्टेम बच्चे लेकर आते हैं आस पड़ोस से,
कि हमें क्या है अपने घर पे ग्रो करना है रोज़ प्लांट, तो देखा होगा आपने किस तरह से स्टेम जो होती है सोइल में आप लगा देते हो, उसके बाद आप वाटरिंग करते हो अच्छे से, और उसके बाद देखा होगा आपने एक स्मॉल प्लांट किसका रोज़ का ग्रो कर जाता है। प्लांट्स लाइक जैस्मीन, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट ऑल्सो ग्रो बाई स्टेम कटिंग। और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं ये भी स्टेम कटिंग के थ्रू ही ग्रो किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माई पर्सनल नंबर। थैंक यू।